नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान के राजनीति के नटवर लाल अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा कांड किया है एक ऐसा कारनामा किया है जिससे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं है इसकी सरकार को बाहर करना और राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा ऐसा क्यों है यह तो मैं आपको आगे बताऊंगा लेकिन केजरीवाल ने आज फिर वही किया जो अपेक्षित था सवेरे सवेरे खबर आई टेलीविजन चैनलों के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगा कि यह फिर सातवें समन को निरादर करने वाला है नहीं जाने वाला है कायर व्यक्ति ऐसा करते हैं जो चोर होता है वो कभी नहीं कहता कि हमने चोरी नहीं की वो अपने आप को ईमानदार बताता है कोर्ट के अंदर भी कहता है कि माय लॉर्ड, मैं बेगुनाह हूं केजरीवाल जनता को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहा है ये कह रहा है कि मैं तो बेगुनाह हूँ ये ईडी वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं ये सीबीआई वाले पीछे पड़ गए हैं चुनाव आ गया है अमित शाह मेरे पीछे पड़ गए हैं नरेंद्र मोदी पीछे पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का केंद्र केजरीवाल है देश की राजनीति का केंद्र केजरीवाल है उसी के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है ऐसा कुचक्र इसने रचा है कि अमित शाह को भी पसीने आ रहे हैं कि आखिर इस शख्स का करें क्या जिस व्यक्ति ने कोर्ट एजेंसीज कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन बाकायदा राष्ट्रपति और जो संविधान का जो प्रोसीजर है उसको रोज लात मारता हो उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं तो केजरीवाल ने यही काम किया है आज सातवां समन उसने निरादर किया खबर ये आ रही है कि केजरीवाल को आठवां समन भेजा जाएगा और वो शायद आखिरी समन हो और उसके बाद थक हार के ईडी ने जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेगी क्योंकि और कोई चारा बची नहीं रहा आज वो सवेरे सवेरे कह रहा है कि भाई बार बार क्यों भेज रहे हो अरे तुम गए हो तुमको तो जाना चाहिए तुम तो कहते हो कि मैं भगत सिंह की औलाद हूं मैं तो सत्य हरिश्चंद हूं ऐसा कैसा भगत सिंह जो ईडी के सामने बैठने में ही जिसको जो है वो डर लगने लग जाता है पहले तो कहते थे और तुम ही कहते थे इस तरह की भाषा में बोलता नहीं हूं लेकिन केजरीवाल ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ईडी किसी को बुलाती है तो उसके पतलून गीली हो जाती है क्या हुआ है केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हो गीला सूखा क्या है क्यों नहीं जा रहे हो जाना तो चाहिए लेकिन इसने एक नया तरीका अपनाया है कि किसी तरीके से मुझे जो है ऐसा प्ले आउट करना है कि ईडी हमें जबरदस्ती गिरफ्तार कर ले या फिर केंद्र सरकार यहां राष्ट्रपति शासन लगा दे राष्ट्रपति शासन किस तरीके से लगता है जब लेफ्टिनेंट गवर्नर या किसी राज्य के गवर्नर को यह मालूम होता है ये ऐसा प्रतीत होता है या उसको ये विश्वास हो जाता है किस फला राज्य के अंदर कानून और संविधान को दरकिनार कर दिया गया है देर इज नो रूल ऑफ लॉ इसीलिए वहां पे रिकमेंड किया जाता है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए अभी एक जो नया मुद्दा आया है किसने तो बजट सेशन बुलाया था दस दिन के लिए अब इसने एक्सटेंड कर दिया क्यों एक्सटेंड कर दिया कह रहा है कि भाई अभी हम नहीं भेजेंगे अभी हम बजट पास नहीं करेंगे पिछली बार जब ई ने बुलाया था तो उसने कहा था कि भाई मैं बड़ा बिजी हूँ बजट सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी तैयारी में मैं जुटा हुआ हूँ इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा बहुत सारा काम है हालांकि इसको कोई लेना देना नहीं है बजट से ये व्यक्ति ऐसा है किसी फाइल पर साइन नहीं करता नोबल प्राइज़ इसको मिलना चाहिए दुनिया का ही अकेला हेड ऑफ द स्टेट है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है यह नकारा चीफ मिनिस्टर है इसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है और ये जब ईडी बुलाती है तो कहता है मैं बड़ा बिजी हूं अब हुआ क्या है यह समझिए तेरह तारीख को इसने घोषणा की भाई हम बजट तैयार कर लिए हैं हम पंद्रह तारीख को भेजेंगे सिस्टम क्या है सिस्टम ये है कि बजट ये लोग सरकार तैयार करती है एल के पास जाता है एल उसको बकायदा राष्ट्रपति को भेजते हैं क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है और राष्ट्रपति वहाँ से ग्रीन सिग्नल देते हैं एल वापस चीफ मिनिस्टर को देते हैं वो असेंबली में प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद बहस वगैरह होता है और उसमें कुछ करेक्शन हुआ तो ठीक अदरवाइज सरकार उसको पेश करती है असेंबली के अंदर अब हुआ क्या पंद्रह तारीख को इसने बजट बना करके दे दिया किसको? एलजी साहब को एलजी साहब ने राष्ट्रपति को भेजा गृह मंत्रालय के थ्रू वहां से ये साइन होकर के आ गया और उन्नीस तारीख को बजट वापस पहुंच गया लेकिन तब से यह मामला लंबित है क्या कह रहा है भाई आपने सुना होगा दो दिन पहले एलजी साहब ने चिट्ठी लिखी भाई क्यों विलंब कर रहे हो आप इसको पेश करो बजट क्यों जरूरी है तो मार्च खत्म होने वाला है मार्च आने वाला है अब नया बजट अगर पास नहीं होगा सैलरीज कहां से जाएंगी सरकार कहां कहां खर्च करेगी क्योंकि वो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बताता है अगर आप उस बजट को टाइम पे पास नहीं करें उसको आप लटकाएंगे भटकाएंगे तो क्या होगा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो फिर सरकार क्या करेगी हटाना पड़ेगा इसको हटाना पड़ेगा सिस्टम को बहाल करना पड़ेगा अब कोई मुख्यमंत्री तय कर ले कि हमको बिल पास नहीं करना है हमको कानून नहीं मानना राष्ट्रपति से सिग्नेचर होकर के आ गया और उसके बाद आप कह रहे हो कि अभी मैं स्टडी कर रहा हूं मतलब क्या है भाई तुमने बजट बनाया बिना स्टडी किए हुए क्या आप बिना तैयारी के बिना उसको प्रॉपर तैयार किए हुए आप एल के पास भेज दोगे राष्ट्रपति के पास चला जाएगा राष्ट्रपति को कहा आपने समझ लिया आपने मजाक का कोई वस्तु है ये आपके पास फाइल वापस आ गया आपका दूसरा कोई काम नहीं हो उसको असेंबली के अंदर प्रस्तुत करने का है आपने नहीं किया और अब आप बहानाबाजी कर रहे हो कि अभी मैं स्टडी कर रहा हूं और बजट सेशन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया आगे भाई क्यों क्योंकि जब गिरफ्तार हों तब फिर उसके बाद बजट जो है वो खत्म हो जाए सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचे आप राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और उसके बाद ये चिल्लाना शुरू कर देगा कि देखिए फांसी जमा गया हिटलर शाही आ गई तानाशाही आ गई मेरे सरकार को खत्म कर दिया दिल्ली की जनता ने हमें चुना था इतना सारा वोट आया था इतने सारे प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो गया यही करने वाला है ये आपके समुझे कितना शातिर व्यक्ति है संविधान इंस्टीट्यूशंस जुडिशरी सबको जूते के नोक पर रखता है रीजन इसका दम इसका अहंकार इसका जो अपना जो फ्यूचर प्लान है कि देश का प्रधानमंत्री बनना आप देखिए इसके दोस्त ने क्या कहा इसका सबसे परम मित्र कुमार विश्वास ने कहा था कि यह आदमी ऐसा सत्ता के लिए पागल हो चुका है कि इसने तो यहां तक कह दिया था कि पंजाब को दो पंजाब अलग राज्य बन जाए अलग देश बन जाए तो मैं पंजाब का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा इसी से तो झगड़ा हुआ कुमार विश्वास के घर पुलिस भेज दिया था जो व्यक्ति अपने निकट निकटतम मित्र के घर पुलिस भेज दे वो व्यक्ति सत्ता पावर किस तरह का लस्ट इसके दिमाग में होगा आप ये समझ सकते हैं अब दिक्कत क्या है कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है गिरफ्तार तो होना है क्यों होना है क्योंकि ईडी के पास तमाम सबूत हैं सबूत ऐसे ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं दे सकता मीडिया ऐसी है कि जो सवाल पूछती नहीं है क्योंकि ऐड चलते रहना है पंजाब से भी ऐड आएगा अब दिल्ली में भी सुन सुनने में आ रहा है कि तैयारी हो रही है बजट में बाकायदा 500-600 करोड़ रुपए जो है वो टेलीविज़न और अखबारों में ऐड के लिए रखा गया है तो कोई नुकसान नहीं लेना चाहता है मीडिया तो कोई इस पर सवाल नहीं उठाता है भाई कम से कम दस ऐसे अकाट सबूत हैं ई के पास जिसमें इसका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट है लेकिन यह बाहर आकर के क्या कहता है कि यह जो ये तथा कथित घोटाला है यह घोटाला है ही नहीं मीडिया वाले के मुंह में दही जम जाती है पूछते क्यों नहीं हो कि भाई संजय सिंह के घर में क्यों मिलने गए थे शराब माफिया से जो फाइल तुमने दी कि यह कानून बनेगा एक्साइज सेक्रेटरी को जो तुमने दिया वो फाइल साउथ इंडिया में शराब माफियाओं के कंप्यूटर पे वो कैसे बरामद हो गया मतलब कानून बना बाद में और जो कानून की जो कॉपी थी तुमने शराब माफियाओं को भेजा पहले या यूं कहे कि कि शराब माफियाओं ने कहा डिक्टेट किया कि सुनो केजरीवाल तुमको माल चाहिए तो मेरे हिसाब से तुम कानून बनाओ और तुमने यही काम किया यही तो पूरा खेल है और मनीष सिसोदिया ने अलग सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दिया कि भाई मैं तो छोटा मोटा नन्ना मुन्ना बालक हूं मैं तो मंत्री था मैंने क्या करता ये पॉलिसी मैटर है सरकार का फैसला था सरकार का मतलब केजरीवाल का फैसला था तो हमें मानना तो जरूरी था और इसीलिए घिर चुका है तो यह अपने आप को बचाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम इंस्टीट्यूशंस को जो है इसने लात मार दिया है उसका निरादर कर रहा है यह सिर्फ समन्स की बात नहीं है राष्ट्रपति हो जुडिशरी हो भाई आप ये कहते हो भाई मोदी के मोदी जो है जेल में डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बेल नहीं मिलता तुम मोदी पे अटैक कर देते हो एक तरीके से व्हाट यू आर इंसुनुएटिंग इज दैट की जुडिशरी भी सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारे पे फैसला देती है तो यह भी अपमान है इलेक्शन कमीशन को कहते हो कि भाई ये तो बीजेपी का एजेंसी है हर चीज आपको पसंद नहीं है जब हर चीज पसंद नहीं है तो कोई दूसरा देश भी ढूंढ लो जहां तुमको कुछ पसंद आए लेकिन तुम्हारी मनमानी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है क्यों क्योंकि अब ईडी के अंदर भी पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है शायद आठवां समन आखिरी समन हो उसके बाद केजरीवाल का परमानेंट इलाज होगा आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद